अस्सलामु अलैकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हम इंग्लिश ग्रामर के 20 एमसीक्यूज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हम 12 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो की ये है कि येलो कलर में जो है ना और बोल्ड में ये सब्जेक्ट है, जबकि वर्ब ग्रीन और अंडरलाइन कलर में वर्ब है। तो इसमें 12 रूल्स हम देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे मसलन शी सिंगुलर है तो राइट्स आ जाएगा, जबकि दे प्लूरल है तो इसके साथ में राइट आएगा। दे आर, दे प्लूरल है तो राइट, इसमें अगर हम देखें प्रेजेंट सिंपल में तो राइट आएगा, जबकि यहाँ पे देखें दे आर शी इज, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। रूल नंबर 2 है कि इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट आल्सो बी प्लूरल। दे राइट, ये क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड यूज अ प्लूरल वर्ब। अब देखिए इसमें यह है कि अगर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है ना 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस हो उसके उसमें तो, और वो एंड के साथ अगर कनेक्टेड हो तो हमने प्लूरल वर्ब यूज करना है अगर एंड हो दरमियान में। तो जैसे मसलन डॉक्टोरल स्टूडेंट, ये देखें सिंगुलर है, एंड द कमेटी ये भी सिंगुलर है, कमेटी मेंबर्स, तो कमेटी मेंबर्स तो ये जमा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 अगर पार्ट्स हो, 2 नाउन या प्रोनाउन हो, उनके दरम्यान में एंड हो तो फिर वो प्लूरल कंसिडर होगा। तो द डॉक्टोरल स्टूडेंट एंड द कमेटी मेंबर्स, राइट, यहाँ पे प्लूरल कंसिडर हो रहा है। द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉइज हु कॉल्ड इन द सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years। अब देखें इसमें दोनों पार्ट्स जो है ना जो सब्जेक्ट के वो दोनों सिंगुलर हैं। देखें द परसेंटेज ये सिंगुलर है एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये नंबर ये भी क्या है सिंगुलर है, लेकिन ये चूंकि एंड से कनेक्टेड है, ये देखें एंड यहाँ पे कनेक्टेड है तो इट मीन्स कि ये प्लूरल वर्ब इसमें आएगा। रूल नंबर 4 है कि व्हेन देयर इज 1 सब्जेक्ट एंड मोर देन 1 वर्ब द वर्ब थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब देखें जब क्या हो कि एक ही सब्जेक्ट हो एंड मोर देन 1 वर्ब और वर्ब 1 से ज्यादा हो तो थ्रू आउट जो है ना वो क्या करेगा, द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, वर्ब जो है तो उस सब्जेक्ट से एग्री करेगा। देखें ना इंटरव्यूज आर 1 वे टू कलेक्ट डाटा एंड अलाउ। अब देखें बार बार वर्ब आ रहा है लेकिन सब्जेक्ट एक ही है तो उसी सब्जेक्ट से वर्ब क्या करेंगे, एग्री करेंगे। जैसे मसलन अजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड इज भी अजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 5 है कि व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, जब एक फ्रेज आ जाता है ना सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज विद द सब्जेक्ट। फिर भी यह है कि जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से ही एग्री करेगा, नॉट द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ना कि सब्जेक्ट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं उससे करेगा, बल्कि वर्ब जो है तो सब्जेक्ट से एग्री करेगा। देखें द स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज एक्साइटेड स्टूडेंट, ये लेकिन दरमियान में जो फ्रेज है उसको उसके साथ एग्री नहीं करेगा वर्ब, बल्कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे वो एग्री करेगा। इसी तरह द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज इज वेरी मोटिवेटेड, ये स्टूडेंट के साथ एग्री कर रहा है यहाँ पे। द स्ट्रेटेजीज इंक्लूड द फोकस वाज ऑफ द इंटरव्यूज, ये देखें दरमियान में जो फ्रेज आ जाता है वो इंक्लूड नहीं होगा। रूल नंबर 6 है कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय आर और नार यूज अ सिंगुलर वर्ब। ये सिंपल सी बात है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर हो, वो क्या हो सिंगुलर हो, और उनमें आर या नार आ रहा हो दरमियान में तो फिर हमने सिंगुलर ही यूज करना है। जैसे द चेयरपर्सन आर द सीईओ, ये दोनों सिंगुलर हैं, आर से कनेक्टेड है, अप्रूव्स ये सिंगुलर आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक और इसमें रूल है नंबर 7 कि व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ अ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, यहाँ पे अगर सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो, आर प्रोनाउन ज्वाइन बाय आर या नार, नार या आर से जब ज्वाइन किए गए हों नाउन्स या प्रोनाउन या सब्जेक्ट्स, वो क्या हो कि सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। फिर वर्ब किससे एग्री करेगा? द वर्ब शुड एग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज क्लोज टू द वर्ब। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो वो जो वर्ब है तो वो उस सब्जेक्ट से या उस नाउन या प्रोनाउन से एग्री करेगा जो उसके करीब तीन हो। जैसे द स्टूडेंट आर द कमेटी मेंबर्स, ये देखें ना मेंबर्स है यहाँ पे, तो एक पार्ट इसमें सिंगुलर है स्टूडेंट और दूसरा पार्ट क्या है प्लूरल है, आर से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो वर्ब है तो वो उससे एग्री करेगा जो उससे करीब तीन हो। द स्टूडेंट आर द कमेटी मेंबर्स आर, द कमेटी मेंबर्स आर द स्टूडेंट राइट्स। देखे ना यहाँ पे राइट आ गया, ये प्लूरल कमेटी मेंबर्स के अकॉर्डिंग ये राइट आया, यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग राइट्स आया। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी कि जो सब्जेक्ट उसके करीब तीन वर्ब के उसी को वो कंसीडर करेगा। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईच, ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो, नोबॉडी, समबॉडी, समवन एंड नो वन आर सिंगुलर एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। ये सारे क्या है सिंगुलर है और इनमें सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे मैं ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, ईच, नीदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज, और फिर एवरीबॉडी पार्टिसिपेट्स, नो वन वाज, तो ये सिंगुलर ही काउंट होंगे। रूल नंबर 9 है कि नन काउंट नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे मतलब एजुकेशन इज, डायबिटीज अफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन वाज, रिसर्च वाज, तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो क्या होंगे सिंगुलर ही काउंट होंगे। सम काउंटेबल नाउन्स इन इंग्लिश सच एज अर्निंग्स, गुड्स, ओड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, कंटेंट्स, वैल्यूएबल्स ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। तो कुछ जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो कि प्लूरल्स ही होते तो वो फिर प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे मसलन द अर्निंग्स एक्सीड, The proceeds go, locally produced goods have, तो ये plural consider होंगे सारे क्योंकि ये है ही plural। Rule number 11 है कि in sentences beginning with there is or there are, जब जुमला there is या there are से शुरू हो रहा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो there जो है ना वो क्या वो subject नहीं है बल्कि subject कुछ और होता है, उसके according verb agree करेगा। मतलब there is little administrative support क्या है ये जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट क्या है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये इज वर्ब एग्री करेगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स, तो यहाँ पे फैक्टर्स के साथ ये कर रहा है, ठीक है, देयर के साथ ये एग्री नहीं कर रहा। तो लास्ट रूल है कि कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बेशक वो एक से ज्यादा पर्सन को डिनोट कर रहे होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। पर्सन, ग्रुप, टीम, फैमिली, क्लास, कमिटी, ठीक है ना, ग्रुप मीट्स, द कमिटी एग्रीज, ठीक है, क्लास इज, तो ये सिंगुलर काउंट होते हैं। तो होपफुली ये है कि ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। इन रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। द एम्स ऑफ द कोर्स डैश मी विलिंग टू बिगिन, तो मेक, एम्स चूंकि ये जमा है तो इसके साथ ये वर्ब एग्री करेगा मेक। द वेट ऑफ द मैंगोज, वेट यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट वेट है ना, मैंगोज नहीं है सब्जेक्ट, वेट ऑफ द मैंगोज सी वेरीज। द चिल्ड्रन ऑफ द मैन हु वर्क्स विद मी, चिल्ड्रन यहाँ पे चिल्ड्रन है ना तो ये सब्जेक्ट है तो ये डी आ जाएगा हैव, चिल्ड्रन हैव। होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि देखे ना हु वर्क्स विद मी ये मैन नहीं है बल्कि चिल्ड्रन ये जमा है तो इसके साथ हैव आ जाएगा। फ्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, हु डैश प्लेइंग फुटबॉल मिस द क्लास, फ्यू स्टूडेंट्स हु डैश, हु यहाँ पे सी वर, स्टूडेंट्स के जमा है तो वर आ जाएगा, हु वर प्लेइंग फुटबॉल। नीदर द वुमेन नार हर डॉटर, नीदर नार में आपने देखा था कि ये क्या है ये सिंगुलर ही काउंट होते हैं, वाज कन्विंस्ड बाय द आइडिया। ही एंड आई, अब देखें एंड के साथ जो है ना जब कनेक्टेड हो ही एंड आई तो ये हमने देखा था कि ये प्लूरल काउंट होता है, ठीक है, तो वर, ई एंड आई वर गुड फ्रेंड्स बट नाउ, अब क्या है वी डैश एनी मोर, वी आर एंड टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग। अब चूंकि नाउ है ना, नाउ चूंकि ये प्रेजेंट है तो वी आर नॉट टॉकिंग, तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नंबर 7 है कि ईच कैंडिडेट, ईच आपको पता है कि ये सिंगुलर काउंट होता है, हैज टू फिल इन द दिस फॉर्म, हैव टू नहीं आएगा, ईच सिंगुलर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ये देखें ना, बोर्ड सिंगुलर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स का बोर्ड ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा वाज डिससैटिस्फाइड। नीदर ही नार आई, अब देखें नीदर और नार क्या है, ये सिंगुलर काउंट होते हैं तो नाउ यहाँ पे आ जाएगा, नार आई नाउ। एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस ये देखें तो एंड के साथ जब कनेक्टेड हो तो वो फिर प्लूरल काउंट होते हैं, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग, तो ब्रिंग्स नहीं आ सकता यहाँ। अब बंच ऑफ कीज, यहाँ पे बंच जो है ना ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो बंच ये कलेक्टिव नाउन है तो इसलिए ये सिंगुलर ही काउंट होगा। बंच ऑफ कीज एज, कीज के साथ हमने नहीं देखना बल्कि बंच को देखना है, बंच सब्जेक्ट है, एज आ जाएगा। द बॉयज ये तो सिंपल है, हैव गॉन टू स्कूल, ही डैश दिस सीनरी, ही सिंगुलर है तो लाइक्स आ जाएगा। अनेस्टी इज, अनेस्टी चूंकि ये बेशक ये वो है ना आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं या फिर अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर ही काउंट होते हैं। द फार्मर्स, तो ये फार्मर्स जमा है, इसके साथ वर आ जाएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन, वन इसको हम देखना है, स्टूडेंट्स में से एक, तो ये वन ईच इधर नीदर ये सारे क्या है सिंगुलर होते हैं, वाज, वन वाज। देयर डैश मेनी एक्सपेक्टेशंस टू दिस, मेनी एक्सपेक्टेशंस ये देखें ना, ये चूंकि आपका नाउन है एक्सपेक्टेशंस, सी आर आर देयर नहीं होता। द क्वालिटी ऑफ दीज गुड्स, क्वालिटी यहाँ पे क्वालिटी हमने देखना है, ये सिंगुलर है क्वालिटी तो इज आ जाएगा। और मोर स्टूडेंट्स देन वन, मोर स्टूडेंट देन वन, मोर क्या है तो ये हैव, ये देखना मोर जमा है तो ये हैव। ईच बॉय एंड गर्ल, ईच इधर नीदर ये सारे सिंगुलर होते हैं तो ये ए आ जाएगा, ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू अटेंड। होपफुली ये है कि इस लेक्चर से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।